ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା। ଅନେକ କୋଠା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ମୁମ୍ବାଇର କୁର୍ଲାର ନାୟକ ନଗରରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ 20-25 ଲୋକ କୋଠା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଓ ଅଧିକ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ये नाइक नगर है, यहाँ पे जोर का धमाका हुआ। जैसे ही धमाका हुआ, आजू बाजू के जो रहने वाले हैं सब लोग आए, देखा तो बहुत बड़ी चार माले की बिल्डिंग है ये, और वैसे ही नीचे कोलैप्स हो गई। ये बिल्डिंग में सारे रहने वाले जो हैं वो कामगार लोग हैं, बिल्डिंग के में काम करने वाले कामगार लोग रहते हैं। जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो ऊपर रहने चौथे माले पे कुछ लोग थे, 10 से 12 लोग थे, जिनको हमारे स्थानिक लोगों ने बड़ी मेहनत से और सुरक्षितता से सारी की डोरी बना के सबको नीचे उतारा, सुरक्षित उतारा। सबसे मेन बात है, और बहुत मराठी मधून मी म्हणेल कौतुकाची गोष्ट आहे की सगळ्यांना सुरक्षितरित्या माझ्या स्थानिक लोकांनी त्यांना खाली काढलेलं आहे। आणि काही वेळातच कुछ देर के बाद ही फायर ब्रिगेड आई, वो अपना काम बहुत सुरक्षितरित्या कर रही है। अभी तक 5 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला हुआ है। कहा जाता है, सुना है कि अभी भी मलबे के नीचे 6 से 7 लोग होने की शंका है। हम सब सदिच्छा व्यक्त करते हैं कि जो भी लोग निकलेंगे सुरक्षित निकले, सब सही और सुरक्षित रहे। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि बीएमसी का इस बिल्डिंग को खाली करने के लिए नोटिस भी दी थी, कब दी थी, क्या अगर ये लोग खाली नहीं कर रहे थे तो क्या बीएमसी के लोग? यहाँ पे 4 बिल्डिंग्स है, चारों बिल्डिंग को नोटिस महानगर पालिका ने दी थी। इनफैक्ट सबको नीचे बाहर जाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन जो रेंटल रहने वाले थे वो थे ये बिल्डिंग में। क्या जो लोग जिसका ये होना है, क्या इसमें लापरवाही कौन से, क्या मामला दर्ज करेगा, शिकायत दर्ज करेगा? अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे ऑनर कौन है, क्या है, तो आगे देखेंगे महानगर पालिका। मराठी में ब्यूरो रिपोर्ट, सकाळ खबर।